माइनस भी हो जाएगा। लेकिन इसमें प्रोडक्ट रूल जैसे डिफरेंशिएशन में अप्लाई होता है, प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल गिल मैथमेटिक्स अकेडमी। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर हम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो इजी टॉपिक है। नाउ आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है इंटीग्रल। इंटीग्रल जस्ट डिफरेंशिएशन के बाद शुरू होता है, क्योंकि इंटीग्रल जो है डिफरेंशिएशन का एक अपोजिट प्रोसेस है, इसलिए इंटीग्रेशन हमेशा डिफरेंशिएशन के बाद शुरू किया जाता है। नाउ व्हाट इज इंटीग्रल? जब हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने के बाद जिस भी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं और अगर हमें वह फंक्शन वापस चाहिए तो उसके लिए जो प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं वो प्रोसेस है इंटीग्रल। व्हाट इज इंटीग्रल? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रल का दूसरा नाम होता है एंटी डेरिवेटिव। तो प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव, एक फंक्शन एफएक्स, मान लिया एक एफएक्स एक फंक्शन है, इज सेड टू बी द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन स्मॉल एफएक्स ऑन द इंटरवल फ्लोट इंटरवल ए बी। इफ यदि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू फंक्शन हो जाए, जिस भी फंक्शन का हमने डेरिवेशन फाइंड आउट किया है उसी फंक्शन को वापस प्राप्त करने का जो प्रोसेस है वो है इंटीग्रल। सच दैट डी अपॉन डी एक्स एफ एच इज इक्वल टू एफ एच। फॉर एग्जाम्पल एच की पावर 4 अपॉन 4 इज ए प्रिमिटिव ऑफ एच की पावर 3। यदि हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें तो देखिए क्या होता है, एच टू दी पावर 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 एच की पावर 3 अपॉन 4, दिस इज कैंसिल एच की पावर 3। तो एच की पावर 4 अपॉन 4 इज ए प्रिमिटिव ऑफ एच की पावर 3। इसी प्रकार एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 1 ले लें, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 1, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 2 एंड सो ऑन। कहने का मतलब ये है कि एक ही फंक्शन के बहुत सारे प्रिमिटिव फंक्शन या एंटी डेरिवेटिव हो सकते हैं। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें, इसका डिफरेंशिएशन करें, इसका डिफरेंशिएशन करें, तो सभी का आंसर क्या आएगा, एच की पावर 3। इंटीग्रल दो टाइप का होता है, एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रल और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इनडेफिनिट इंटीग्रल। व्हाट इज इनडेफिनिट इंटीग्रल? लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन then the family of all its primitive point to be noted, the family of all its primitive or antiderivative is called the indefinite integral। यहां पर ये जितनी भी हमने antiderivative find out किए हैं इन सब की family को हम कहते हैं indefinite इंटीग्रल। इफ डी अपॉन डी एफ एच इज इक्वल टू एफ एच, देन अगर हमें ये फंक्शन वापस लेना है तो इसे हम एक सिंबल जिसे हम इस कहते हैं इंटीग्रल साइन, और इसका इंटीग्रल ये क्या हो गया, फंक्शन।
यानी कि इंटीग्रैंड। एक्स क्या हुआ इसमें, एक्स आपका हो गया वेरिएबल, और डीएक्स क्या हो गया आपका डिफरेंशिएबल। ऑफ एक्स कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स है, तो इस फंक्शन का यदि हम इंटीग्रेशन निकालें जिसे हम इस सिंबल के थ्रू डिनोट करते हैं और वो एफ एक्स आ जाए तो इसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। अब यहां पर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम प्लस सी इसलिए लगाते हैं क्योंकि एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 1 एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 1 एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 2 दे आर आर यहां पर दिया हुआ था फैमिली ऑफ ऑल इट्स प्रिमिटिव, जितनी भी फैमिली है एंटी डेरिवेटिव की जितनी भी फैमिली है उनका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं प्लस सी लगाते हैं, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इन ए सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट द डेफिनेट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रल बोथ आर इनवर्स टू ईच अदर। हर फंक्शन का हम डिफरेंशियल डिफरेंशिएशन नहीं निकाल सकते और हर फंक्शन का हम इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते। प्लीज मेक इट अप। अभी हमने डिस्कस किया था इंटीग्रल के बारे में, इंडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रल। अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में। डेफिनिट इंटीग्रल जब हम इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ लेंगे उसके बाद शुरू करेंगे। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल बोथ आर सेपरेट, सेपरेट मीन्स इनवर्स टू ईच अदर। इंटीग्रेशन मीन्स होता है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, जो हम इंटीग्रल फाइंड करने के लिए जो प्रोसेस हम अप्लाई कर रहे हैं उसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि किसी भी फंक्शन को ब्रेक कर देना, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है उन फंक्शनों को कंबाइंड करके टुगेदर करके उन्हें जोड़कर एक फंक्शन बनाना, वो कहते हैं हम इंटीग्रेशन। यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं और दूसरा नाम है इंटीग्रल का एंटी डेरिवेटिव यानी कि अपोजिट। अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स की पावर एन होगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू दी पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सी जरूर लगेगा क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या बताई थी, फैमिली ऑफ प्रिमिटिव या फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव को हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमेशा प्लस सी जरूर लगेगा। ई टू दी पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, और इसका क्या हो जाएगा वन बटे एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। यदि a टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग a है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, a टू दी पावर एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा इज इक्वल टू a टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग a बेस e प्लस c। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो इंटीग्रेशन इज cos x dx इज इक्वल टू साइन x प्लस c। माइनस कोशक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है, एंटी डेरिवेटिव क्या होगा इसका इज इक्वल टू माइनस कोशक्स प्लस सी। नाउ डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का
इंटीग्रेशन होगा tan h प्लस सी। सिमिलरली cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि माइनस कोट एक्स का डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर एक्स होता है, तो ये हो जाएगा माइनस ए कोट एक्स प्लस सी। नाउ सिमिलरली sec एक्स का डिफरेंशिएशन sec एक्स tan एक्स, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec एक्स tan एक्स इज इक्वल टू sec एक्स प्लस सी। सिमिलरली cosec एक्स cot x dx is equal to minus cosec x plus c। similarly 1 upon 1 minus x square dx is equal to sin inverse x plus c, or 1 upon 1 minus x square dx is equal to minus cos inverse x plus c। अगर ये प्लस में होगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, और अगर ये माइनस में होगा तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कोस इनवर्स x। नाउ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस सी। आफ्टर दैट सेम 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू माइनस cot inverse x plus c, 1 upon x under root x square minus 1 dx is equal to sec inverse x plus c, and 1 upon x under root x square minus 1 dx is equal to minus cosec inverse x plus c। यहां पर आपको मैंने कुछ फॉर्मूले बताए हैं, प्लीज मेक अ नोट। दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। मैंने आपको ये बताया था कि हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं होता और हर फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता। डिफरेंशिएशन में डिवाइड रूल अप्लाई होता है बट इंटीग्रेशन में नहीं होता। नाउ कुछ चीजें और भी हैं, हम जानते हैं दो फंक्शन है वे प्लस और माइनस में है तो उनका डिफरेंशिएशन होता है। इसी प्रकार इंटीग्रेशन क्या होगा अगर दो फंक्शन है fx प्लस gx, मान लिया ये दो फंक्शन है और इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं fx dx प्लस gx dx। अगर यहाँ पर माइनस है तो ये फंक्शन माइनस भी हो जाएगा, लेकिन इसमें प्रोडक्ट रूल जैसे डिफरेंशिएशन में अप्लाई होता है इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल और डिवाइड वाला जो रूल है वो अप्लाई नहीं होता। मान लिया कोई फंक्शन कांस्टेंट के है, के सात मल्टीप्लाई में है तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाता है और फिर हम फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, ये प्लस सी जरूर आएगा इसमें। Now we have to start exercise 7.1. This topic or this chapter is very simple if you have to do regular practice. You have to find the antiderivative of these function. Antiderivative means ऐसे कौन से function है जिनका integral zero. Now let us start. d upon dx, हम जानते हैं कि साइन x का एंटी डेरिवेटिव क्या लिख सकते हैं cos 2x,
कॉस एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन निकालें तो क्या आएगा साइन एक्स, इट कैन बी रिटन एज माइनस टू साइन टू एक्स, इट कैन बी रिटन एज माइनस वन अपॉन टू डी अपॉन डी एक्स कॉस टू एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स। नाउ इट मीन्स वी कैन राइट माइनस वन अपॉन टू कोस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स, दैट मीन्स द एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू कोस एक्स। जस्ट सेम क्वेश्चन नंबर टू एंड थ्री, क्वेश्चन नंबर टू और थ्री क्वेश्चन नंबर वन की तरह है। प्लीज क्वेश्चन नंबर टू एंड थ्री डी आई पी डू इट्स प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर फोर, यू हैव टू फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर थ्री। d over dx ax plus b to the power 3 is equal to, हमें ये सोचना है कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये होगा, तो क्या करें इसे, ये 3 बाहर आ जाएगा ax plus b into a, that means 3a ax plus b, यहां से ax plus b की पावर 2, ए एक्स प्लस बी की पावर टू क्या हो जाएगा वन अपॉन थ्री ए डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी टू दी पावर थ्री, दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज डी ओवर डी एक्स वन अपॉन थ्री ए एक्स प्लस बी टू दी पावर थ्री। एंटी डेरिवेटिव, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ ऑफ ए एक्स प्लस बी टू दी पावर टू इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री ए एक्स प्लस बी टू दी पावर थ्री। क्वेश्चन नंबर फाइव, डू इट प्रैक्टिस, मेक इट ऑफ। आज हमने इंटीग्रल के बारे में पढ़ा, इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा, और डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रल एंड डिफरेंशिएशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।